स्टूडेंट टुडे जो स्टार्ट न्यू टॉपिक ऑनलाइन क्लासेस इज दिस टॉपिक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स बी केयरफुल एंड द वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब्स एंड बेल आइकन प्रेस द नोटिफिकेशन अगेंस्ट प्रोवाइडेड स्टूडेंट्स प्लीज बी केयरफुल ऑन बोर्ड्स राइट द सम टॉपिक्स दिस टॉपिक इज कलेक्टेड एनसीईआरटी बुक अकॉर्डिंग प्लीज स्टूडेंट्स to see on boards and started the video. Okay, group 17 elements. Students, आज मैं जो बताने जा रहा हूं group 17 elements के अंदर जो भी चीजें हैं उन चीजों को हम explain करेंगे इस video के अंदर. Please students इस point को ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करिए, क्योंकि हम पिछले जो भी लेक्चर जो दिया जा रहा है उन लेक्चर को अच्छे ढंग से आप समझते चलिए, जिससे कि आपके अंदर जो डाउटिंग पॉइंट होगा वह क्लियर होता चलेगा. स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान दें कि ये 2020 एंड 2021 यानी ये दोनों 2020-21 के सेशन के अंदर आपको रिड्यूसिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अध्ययन कराया जा रहा है. जो टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं उस टॉपिक को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जो टॉपिक पढ़ने हैं सिलेबस के अंदर उसी टॉपिक्स को मैं बताऊंगा जो रिड्यूस सिलेबस है. ओके, तो स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं ग्रुप 17 के अंतर्गत हमको क्या अध्ययन करना है. ग्रुप 17 एलिमेंट्स क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड द एस्ट्रीन, यानी ग्रुप 17 के अंतर्गत पांच एलिमेंट्स रखे गए हैं जो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड द एस्ट्रीन हैं. आई आर मेंबर ऑफ द ग्रुप 17. दीज आर द कलेक्टिवली नोन एज द हैलोजंस, यानी इस 17 ग्रुप्स के इन एलिमेंटों को हम हैलोजंस एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं. हैलोजंस दिस वर्ड एज ए ग्रीक वर्ड्स, हैलो मींस जो होता है, हैलो वर्ड्स एज ए ग्रीक वर्ड्स, हैलो मींस साल्ट एंड जीनस मींस जो होता है बॉर्न, यानी दैट इज साल्ट प्रोडक्ट्स, यानी जो शब्दांश सॉल्ट प्रोडक्ट देते हैं उन्हें जो है हैलोजंस कहते हैं. द हैलोजन आर हाईली कलेक्टिवली नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स. हैलोजन जो होते हैं हाईली जो है रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, लाइक ग्रुप्स फर्स्ट एंड सेकेंड. जैसा फर्स्ट और सेकेंड जो होता है वह मोर रिएक्टिव होता है, उसी तरह ये होते हैं. द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 17 सो ग्रेटर सिमिलर अमंग दिस थिंग्स ऑफ दैट द मोस्ट सिमिलर इज नॉट फाउंड द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स, यानी इस एलिमेंट्स के अंदर जिन एलिमेंटों का हम 17 ग्रुप के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उन्हें हैलोजन फैमिली के मेंबर कहते हैं. इसकी रिएक्टिविटी जो है ग्रुप 7 ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड से कंपेयर किया जाता है जो पीरियोडिक टेबल्स के अंदर रखे गए. अदर्स आल्सो देयर इज ए रेगुलर ग्रीडिंग, देयर आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. एस्ट्रीन आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जिसमें यह 17 ग्रुप्स के अंतर्गत जो 5 मेंबर्स रखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्ट्रीन, जिसमें एस्ट्रीन जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है. आइए अगला पॉइंट से ऑकरेंस, ऑकरेंस को हम समझेंगे. फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर द फाइनली अबाउंडेड विल ऑफ द ब्रोमीन एंड द आयोडीन लेस, सो द फ्लोरीन इज प्रेजेंट इन द फैमिली मेनली एज द इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स एंड द स्मॉल क्वांटिटीज आर द प्रेजेंट इन द सॉइल, रिवर्स वाटर,
प्लांट एंड द बोन एंड टीथ आर द एनिमल्स. वाटर टेंस क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन द सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एंड द कैल्शियम. ओके, यानी स्टूडेंट्स इस बात को समझें कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो होता है फाइनली जो है बाउंडेड होते हैं और ब्रोमीन एंड द आयोडीन लेस सो द फ्लोरीन. यानी ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं फ्लोरीन से लेस होते हैं इन प्रेजेंट मेनली, यानी वह इससे कम जो होते हैं फाउंडेड होते हैं पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं. एज ए इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स एंड द स्मॉल क्वांटिटी, यह जो है इनसॉल्युबल जो है फ्लोराइड्स होते हैं और यह स्मॉल क्वांटिटी के रूप में पाए जाते हैं. आर प्रेजेंट इन द सॉइल रिवर्स, यानी यह नदियों के कणों के अंदर सॉइल से यानी बालुओं से प्राप्त किए जाते हैं. वाटर प्लांट्स एंड द बोन्स में भी पाए जाते हैं एंड टीथ एंड द एनिमल्स सी वाटर्स. एनिमल्स से और सी वाटर्स कंटेन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन ऑफ द सोडियम पोटेशियम एंड मैग्नीशियम एंड द कैल्शियम के जो सप्तांग जो फॉस्फाइड्स होते हैं उन फॉर्म में जो है क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन जो है पाए जाते हैं. तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ऑक्रेंस यानी उपस्थिति में फ्लोरीन जो और क्लोरीन जो होता है फैमिली अबाउंडेड्स होते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन जो होता है फ्लोरीन से लेस मेनली इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स होते हैं और यह स्मॉल क्वांटिटी जो है पाया जाता है जो सॉइल्स रिवर्स वाटर प्लांट बोन एंड टीथ में पाए जाते हैं और एनिमल सी वाटर्स के अंदर जो है कंटेनिंग होता है सी वाटर के अंदर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के सब्सटेंसों के अंदर ये सब पाए जाते हैं. अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ग्रुप 17 एलिमेंट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी S2NP5. ओके, यानी ग्रुप 17 के अंतर्गत जो है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रखा गया है. तो फ्लोरीन जैसे 9 है या क्लोरीन में 8 जोड़ दे, इसमें फ्लोरीन में 8 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 17 क्लोरीन हो गया. तो इसका एक उसी तरह ब्रोमीन है उसी तरह आयोडीन है उसी तरह एस्ट्रीन है 18. तो इसमें इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 और यह 5 हो जाएगा या के और यल यस जो है सेल में हो गया. सब सेल में 1s2 2s2 2p 3 हो गया, ये हो गया. अब आइए इसको पीरियाडिक टेबल में पोजीशन निकालेंगे तो यह जो हो जाएगा आपका पीरियड हो जाएगा पीरियड सेकेंड. अब यहाँ ब्लॉक जो हो जाएगा ब्लॉक पी हो जाएगा, ग्रुप जो हो जाएगा ग्रुप ए और ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देंगे तो ये फिर तो होगा. तो यह जो हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है, यानी फिफ्थ. यानी ये आप बात समझे कि ये जो आपने टू और जो है यानी 9 का किया था ना तो 2 और 7 यहाँ 7 होना चाहिए. तो ये जो होगा आपका, ठीक है, 2 1s2 2s2 2p 5 हो गया. तो यह हो गया पीरियड सेकंड हो गया, यह ब्लॉक पी हो गया ग्रुप, ये 5 और 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा. इस तरह 17 है 17 ग्रुप्स का ये एलिमेंट्स हो जाएगा पीरियाडिक टेबल में. ये इसका पोजीशन हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है. उसी तरह अदर का भी निकाल लेंगे. अगला पॉइंट है एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियाई के अंदर देखेंगे. तो ग्रुप 17 टॉप टू बॉटम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई एज ए इंक्रीज. ओके, एंड साइज इंक्रीज. नेक्स्ट पॉइंट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी. ग्रुप 17 टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी एज ए डिक्रीज. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी.
इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी ग्रुप 17 टॉप टू बॉटम आईजेड डिक्रीज। ओके नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप 17 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टॉप टू बॉटम आईजेड डिक्रीज। स्टूडेंट्स आपने ये पॉइंट समझ लिया, फिर से एक बार बता देता हूं, एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियस के अंदर हम देखेंगे, रेडियाई के अंदर, तो एटॉमिक का मतलब परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं जो होता है 17वें ग्रुप्स के अंदर ऊपर से नीचे के तरफ चलते हैं, तो यह क्रमशः बढ़ता चला जाता है और इनके आकार भी बढ़ते चले जाते हैं। अगला है आयनाइजेशन एंथैल्पी, 17वें ग्रुप में ऊपर से नीचे के तरफ टॉप टू बॉटम चलते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है क्रमशः घटता हुआ चला जाता है। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी 17वें ग्रुप में 17 ग्रुप में चलते हैं टॉप टू बॉटम, तो उनका जो होता है क्रमशः हुआ घटता हुआ चला जाता है। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ग्रुप 17 के अंतर्गत टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है क्रमशः जो है घटता हुआ चला जाता है। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपने समझ लिया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है, तो प्लीज स्टूडेंट्स इन टॉपिकों से संबंधित हम आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराएंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक, व्हाट इज ग्रुप 17 एलिमेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रिपीटेड, व्हाट इज ग्रुप 17 एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रुप 17 एलिमेंट्स ऑकरेंस, ओके यानी ग्रुप 17 एलिमेंट्सों की उपस्थिति क्या है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप 17 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ग्रुप 17 एलिमेंट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज ग्रुप 17 एलिमेंट आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट, व्हाट इज ग्रुप 17 इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रुप 17 एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। स्टूडेंट प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके थैंक्स।